So, भाई पुष्पा 2 का ट्रेलर आ चुका है, आपको ट्रेलर देखकर कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, और अभी मैंने ये जब सेकंड वाला ट्रेलर देखा तो उसके अंदर ऐसे देखने में आ रहा है कि बहुत सारे नए नए कैरेक्टर बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, और जैसे कि पुष्पा का एक नया सा लुक आ रहा है, और जो लास्ट इसमें विलन था उसका भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो देखने में थोड़ा मजा आ रहा है। पार्ट 1 में जो भी थे एक्शन सीन्स पुष्पा के, पार्ट 2 के कंपैरिजन में एक्शन सीन्स जितने भी ट्रेलर में दिखाए गए, आपको कैसा लगता है वो? पार्ट 1 में अच्छे थे, उससे ज़्यादा अभी पार्ट टू में अच्छे गए। क्या लगता है फिल्म में अल्लू अर्जुन की एक्टिंग कैसी लग रही है? उनको एक नया लुक में देख रहे हैं, बिल्कुल काली माँ के अवतार में साड़ी पहन के देख रहे हैं, वो लुक आपको कैसा लग रहा है, जच रहा उन पर? अरे एकदम तगड़ा, डायरेक्टर ने जो भी मतलब दिया है लुक भाई, सोच समझ के ही दिया है, एकदम यूनिक है। ये भी नहीं कि एकदम बॉडी शॉडी, ये वाला देखो यूनिक दिया, जो भी दिया अर्जुन तो है ही डैशिंग एकदम, मतलब इंडस्ट्री में 2-3 शोज में भी आ गया था बीच में उसका वो पीआर करने को, तो वो एकदम रॉकस्टार है। फाइनली पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, आज हम ऑडियंस से ही पूछने वाले हैं कि उनको ट्रेलर कैसा लगा, वो पार्ट 2 जाकर थिएटर में देखना चाहेंगे, ओटीटी में देखेंगे, ये जाकर ऑडियंस से पूछना, आइए पूछते हैं ऑडियंस के रिएक्शन। सो भाई आप बताओ मुझे, पुष्पा 2 का ट्रेलर आपको कैसा लगा देखकर? बस कुछ खास नहीं लगा, लेकिन ओके है, मतलब देख के मतलब बोल सकते हैं हाँ ये मतलब ओके टाइप का है। ओके लगा, मतलब क्यों, ऐसा क्या आपको देखकर ऐसा लगा कि ओके ही है? बट जहाँ हम पुष्पा के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो कहीं ना कहीं उसमें रियलिस्टिक चीज़ें नहीं दी गई है, कहीं ना कहीं हर फिल्मों से आप देखोगे, अगर KGF से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं सेम चीज़ें हमको देखने को मिलेगी, इस वजह से तो मैं बोलूँगा कि ये उतना जिस तरीके से माहौल बनाया गया है पुष्पा 2 को हिट बनाने के लिए, तो इस तरीके से मूवी मतलब आप रियलिस्टिक बनाओ वो चलता है, अगर आप ऐसे अगर पॉपुलैरिटी पाने के लिए अगर आप ऐसे अगर मार्केटिंग करोगे फिर ये नहीं चल पाएगा ये फिर। मुझे ठीक ठाक लगा उसमें, मतलब एक्शन वगैरह तो वो दिखाया वो अलग ही लगा थोड़ा, और क्या बताएं, ठीक ठाक लगा। मतलब क्या किसी से अगर कंपैरिजन करें तो ऐसा कुछ लगा क्या कि फिल्म थोड़ा किसी अलग ही पेस में चल रही है, ऐसा कुछ लगा? थोड़ा बहुत KGF से रिलेटेड। KGF जैसा आपको लगा क्या, मतलब क्यों, मतलब एक्शन सीन वैसे लगे या फिर क्या चीज़ ऐसा लगा? मतलब वो थोड़ा बहुत एक्शन सीन भी और भी मतलब उसमें जो भी किया गया है वो साड़ी वगैरह ये सब पहनाया गया वो सब, तो साड़ी वाड़ी पहने तो हाँ, वो लुक के बारे में अगर बात करें तो लुक आपको लग रहा है कि साड़ी वाड़ी पहने तो आपको ठीक नहीं लगा वो? नहीं ठीक है, लेकिन थोड़ा और भी अच्छा कर सकते थे तो और भी अच्छा होता। आपको उतना अच्छा नहीं लगा ऐसा कहना चाह रहे आप? मीडियम में। और अल्लू अर्जुन की एक्टिंग कैसी लगती है आपको? जबरदस्त है, सुपर्ब। आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखोगे या OTT पे देखोगे, वेट करोगे OTT पे आने का? अब जैसा ठीक लगे वैसा करूंगा मैं। आप हमारे साथ शेयर नहीं करना चाहोगे कि आप कहाँ जाओगे देखने? देखता हूँ, अगर यहाँ थिएटर में जाने का मौका मिला तो थिएटर चला जाऊंगा, नहीं तो OTT पे आने का वेट करूंगा। सो भाई पुष्पा 2 का ट्रेलर आ चुका है, आपको ट्रेलर देखकर कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, और अभी मैंने ये जब सेकंड वाला ट्रेलर देखा तो उसके अंदर ऐसे देखने में आ रहा है कि बहुत सारे नए नए कैरेक्टर बिल्ड हो रहे हैं, ठीक है, और जैसे कि पुष्पा का एक नया सा लुक आ रहा है, और जो लास्ट इसमें विलन था उसका भी बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो देखने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। पुष्पा का ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगा मुझे, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा भाई, एकदम तगड़ा ब्लास्ट है, फिल्म तो सुपर डुपर हिट होने वाली है। हाँ कैसा लगा फिल्म का ट्रेलर देखकर, आपको क्या क्या बोलना है, स्टंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक्शन सीन के बारे में बात कर रहे हैं? से फाइट का जो कोरियो है ना बहुत तगड़ा, जिसने भी किया है बम्पर किया है सर, तो जंपिंग वम्पिंग बाकी इसमें है जो फाइट्स, जिसने भी किया है तगड़ा किया है। जिसने भी किया है मतलब क्या, अल्लू अर्जुन ने नहीं किया है? किया है, देखो जैसे कि उन्होंने भी किया है, लेकिन सबका बॉडी डबल होता है आपको पता ही है। हाँ तो जो पर्दे के पीछे रहते हैं उनका भी ज़्यादा मेहनत रहता है, पर्दे के आगे तो जो पर्दे पे दिखेगा हाँ भाई यही कर रहा है जो कर रहा है ऐसा लगता है सबको। हाँ लेकिन उसमें बहुत सारे जंकल वो रहता है, मेहनत रहता है। ऐसा लगा कि बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ का उन्होंने साथ में स्टोरी कंबाइन कर दी है, जैसे KGF का थोड़ा एक्शन लाया है, मारी का थोड़ा स्टोरी लाया है, जैसे मारी में वो कुछ तो सैंडलवुड को लाते और फिर उस पर झगड़ा हो जाता है उनका, बहुत एक्शन है मूवी में, ठीक है थोड़ा ऐसा लग रहा है बढ़ाने को बढ़ा दिया है। मेरे को भी ऐसा काइंड ऑफ सेम लग रहा है, पहली स्टोरी का एकदम ऐसा सिंपल सा प्लॉट था, अभी इसमें इस लोग ने बहुत ज़्यादा ही एक्शन डाल दिया, KGF की तरह मारा मारी चल रहा आधा टाइम, इतना कुछ वो स्टोरी कंटिन्यूएशन नहीं लगा मेरे को, तो ट्रांजिशंस और जो जितना भी फाइटिंग के मूव्स किए वो जरा से ज़्यादा सिमिलर लगे, वो और अच्छे से यूनिक कर सकते थे।
देखा मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा है, और उसमें अभी जो उसको बना रखा धोती मुझे साड़ी पहना रखा है अल्लू अर्जुन को, तो कुछ खास था नहीं उसमें। हाँ सबको नहीं लगा। तो अगर बात करें फिल्म में एक्शन वैक्शन बहुत अच्छा है तो उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं? KGF का ऐसा मुझे लगता है कॉपी किया है उसमें, खास कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था। जैसे बोला कि साड़ी वाड़ी पहना दी आपने, ऐसा भी कहा उनको, एक्चुअली ऐसा कहा कि उनका एक नया लुक देखने को मिलेगा, तो आपका इस पर क्या कहना है? नया लुक कुछ भी नहीं है उसमें, मैंने देखा पुराना ही है। मैं भी उन टेलर देखा मैंने भी, तो मैंने तुरंत नेट बंद कर दिया, मेरा तो खुद नेट ही खर्च हो गया, पैसे में से बर्बाद गए। अभी मैं देखने भी नहीं जाऊंगा, पिक्चर भी नहीं देखूंगा, टेलर से ही मेरा पेट भर गया। तो कुछ खास नहीं लगा मतलब? कुछ भी खास नहीं है उससे तो अच्छा। अब देख लो अब क्या बोलते हैं उसका जो मूवी आई ना अपना बॉबी देओल की, इसका नाम क्या, कंगुआ, कंगुआ, वही अच्छी है। वो तो इतनी भारी पिक्चर है, पुष्पा कुछ खास नहीं है भाई। मतलब साउथ की फिल्में अभी आपको नहीं लग रही उतनी अच्छी कर रही है अपने पुष्पा, सब काफ़ी डिसअपॉइंट लग रहे हो मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे दोस्त लोग भी जाने वाले थे, मैं तो बिल्कुल जाने वाला नहीं हूँ अभी देखने के लिए, और बंद ही कर दिया मैंने, अभी तो ब्लॉक कर दिया बिल्कुल। अल्लू अर्जुन को फॉलो भी करता था लेकिन बकवास है एकदम। उससे पूछूँ अल्लू अर्जुन की स्टाइल के बारे में, तो अल्लू अर्जुन की स्टाइल और एक्टिंग कैसी लगती है आपको? मुझे तो अच्छी लगती है, बट मैं ज़्यादा नोटिस पुष्पा वन से ही नोटिस करने लग गया था। और एक उसका मूवी आया था जो मैंने देखा था, अभी याद नहीं आ रहा मेरे को, पर पुष्पा वन से मैं उसको थोड़ा नोटिस करने लग गया, और इसमें भी थोड़ा अलग अवतार में दिख रहा है, तो दैट्स गुड। पार्ट वन में अच्छे थे, उससे ज़्यादा अभी पार्ट टू में अच्छे गए। और अगर बात करें लुक के बारे में, अल्लू अर्जुन की लुक बिल्कुल साड़ी में काली के अवतार में दिख रहे हैं, तो आपको उनका लुक कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और तो कुछ बताओ? ठीक है बस। तो आप इस फिल्म को OTT पे जाके देखोगे या थिएटर पे देखोगे? थिएटर पे। लुक के बारे में, तो अल्लू अर्जुन की लुक कैसी लग रही है? उन्हें काली के अवतार में दिखाया गया साड़ी के लुक में, वो लुक कैसा लगा आपको? उन्होंने माइथोलॉजी को जो साथ में लाया है वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब लास्ट स्टोरी में भी बहुत था। जैसे अब तुम फर्स्ट पार्ट देखोगे उसका, तो अभी उस पुष्पा में एकदम उसने वो अवतार ले लिया था, इसमें भी कुछ दिखा है, अब वो तो मूवी में मालूम पड़ेगा कैसा है, पर लग रहा है कुछ वो पार्ट अच्छा लग रहा है कुछ। मेरे को तो सही लगता है अल्लू अर्जुन भाई, बहुत एक तो ऐसे ही अच्छा दिखता है, ऊपर से उसका वो जो रॉ फील है वो आ रही है बाहर वो अवतार में, वही सेम रफ वाला लुक, सेक्सी एकदम। काली माँ से थोड़ा सा कनेक्टेड लग रहा है मेरे को, ऐसा कुछ हो सकता है मे बी, ठीक है। और थोड़ा सा कॉपी थोड़ा सा लग रहा है, जो लक्ष्मी मूवी आया था पता आपको, थोड़ा सा लिंक कर रहा, बस बाकी कुछ नहीं। हाँ आपको बस बाकी सब सही लग रहा है? सब सही लग रहा है बाकी। तो आप इस फिल्म को OTT पे देखोगे या फिर थिएटर पे जाकर देखना पसंद करोगे? थिएटर्स पे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ बिग फिल्म, बिग बजट फिल्म, सो इसको थिएटर्स में जाके ही देखना पड़ेगा, और दैट्स गुड। डायरेक्टर ने जो भी मतलब दिया है लुक भाई, सोच समझ के ही दिया है, एकदम यूनिक है। ये भी नहीं कि एकदम बॉडी शॉडी, ये वाला देखो यूनिक दिया, जो भी दिया। तो आप फिल्म को थिएटर में जाके देखना पसंद करोगे या फिर OTT पे देखोगे? नहीं, फिल्म तो थिएटर में जाके देखूंगा। ऐसा है कि कुछ बहुत सारे एक्शन सीन्स कहीं ना कहीं पुष्पा के साथ साथ बहुत बॉडी डबल लोगों ने ही ज़्यादा किया है, या फिर अल्लू अर्जुन ने किया है? नहीं, बॉडी डबल तो सब भाई, जैसे सलमान खान सर हो गए, ये शाहरुख खान सर हो गए, सबका बॉडी डबल होता है। जो रिस्की सीन रहता है कि भाई फिल्म तो कंटिन्यू करनी रहती है, इंजरी हो गया तो फिल्म रुक जाएगी, सिंपल सी बात है, इसलिए सब हर कोई बॉडी डबल रखता है। जहाँ की इतने बड़े स्टंटमैन हैं, फाइटर्स हैं, ये अपने टाइगर श्रॉफ वो भी रखते ही हैं बॉडी डबल। हाँ, रिस्की सीन तो कर नहीं सकते, नुकसान हो जाएगा प्रोड्यूसर का। अल्लू अर्जुन तो है ही डैशिंग एकदम, मतलब इंडस्ट्री में 2-3 शोज में भी आ गया था बीच में उसका वो PR करने को, तो वो एकदम रॉकस्टार है, सब हीरोइन का भी फेवरेट है। तो भाई मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम हैंडसम है, एकदम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ साउथ इंडिया। सेम एकदम काले चश्मे में तो मस्त। तो अब तीनों से बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप इस फिल्म को OTT पे जाकर देखोगे या थिएटर पर, एक साथ बोलो। थिएटर में देखना बेटा, थिएटर। तो आपको क्या लगता है जब ऐसे बॉडी डबल वाले लोग जो करते हैं उनको उतना क्रेडिट मिलता है या भी सारे एक्टर्स लेके चले जाते हैं? एक्टर्स देखो, जैसे टेक्निकल लोग हैं जिनको उनको पता है, वो वैल्यू देते हैं स्टंटमैन की, हाँ कि भाई किया रहेगा, देखने से लगता है ना। जैसे कि जो टेक्निकल लोग हैं वो देखते हैं ध्यान से कि किसने किया, उनको समझ में आएगा, जो ऑडियंस है उनको समझ में नहीं आएगा, सबको लगेगा बस इन्होंने ही किया ऐसा। हाँ, तो ये थे ऑडियंस के रिएक्शंस। वेल, रिएक्शंस तो काफ़ी क्या ही कहें, आपने देखा ये रिएक्शंस काफ़ी, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि काफ़ी मिक्सचर ऑफ मेनी फिल्म्स हैं। वेल, लेट्स सी कि फिल्म आकर कैसी लगती है, थिएटर में कैसी लगती है फिल्म, देखें ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। ऐसे वीडियोस के लिए बस जो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, बाय बाय।